नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉल्यूशन स्टूडियो में। मैं रोहित श्रीवास्तव फिर से हाजिर हूँ ट्रांजिशन पे अपनी तीसरी वीडियो लेकर के। इसमें मैं आपको तीन नए ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जंप करते हैं टाइमलाइन पे और देखते हैं अपना पहला ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ और इस क्लिप को हम लोग ले आते हैं वीडियो वन लेयर पे। और अब हम दूसरी क्लिप ले लेते हैं, इसे हम ले आते हैं वीडियो टू की लेयर पे। और अब हमने यहाँ पे ट्रांजिशन क्लिप इंपोर्ट कर ली है, इसे हम रख देते हैं लेयर थ्री पे। हम इसे अलाइन कर लेंगे। अब हम लोग इफेक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे मैट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ नीचे से ट्रैक मैट को ड्रैग करके दूसरी क्लिप पे ड्रॉप कर देंगे। अब हम चले जाते हैं इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ पे मैट पे हम लोग वीडियो थ्री ले लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ कोई भी मास्किंग नहीं हुई है। तो हम लोग फिर से इफेक्ट कंट्रोल में कंपोजिट मैट ल्यूमा ले लेंगे। और अब आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी मास्किंग वर्क कर रही है। एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था वो ये है कि जैसे ही हम लोग प्लेहेड को आगे मूव करते हैं और लेयर थ्री की क्लिप जब खत्म हो जाती है तो यहाँ पे हमारे सामने ब्लैंक आ जाता है। वो ब्लैंक आने का कारण ये है कि हमने जो सेकंड क्लिप ली हुई है उस पूरे पे हमने मैट की दे रखी है। अभी हम लोग को करना क्या है कि प्लेहेड को हम लोग लास्ट फ्रेम पे रखेंगे और यहाँ पे हम क्रॉप टूल लेकर के इसे चॉप कर देंगे और इसे हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ट्रैक मैट की हटानी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से विजिबल है। अपने दूसरे इफेक्ट के लिए हमने दो क्लिप यहाँ पे ऑलरेडी ले रखी हैं। अब हम लोग को यहाँ पे न्यू कलर मैट लेना होगा। इसकी सेटिंग्स जैसे ही आ रही हैं वैसे डिफॉल्ट ओके कर देंगे और हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रहे हैं। ओके, इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑरेंज और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं जिसे हम लोग को सही से समझ में आए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ट्रांजिशन की ड्यूरेशन में ज्यादा नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पुश। नीचे यहाँ पे देख पाएंगे आप पुश, जो एक तरह की वीडियो ट्रांजिशन ही है। इसे मैं उठा करके सॉलिड कलर वाली लेयर पे ड्रॉप कर दूंगा। फिर इसे एक बार और उठाऊंगा और इसको मैं इसकी एंड पे ड्रॉप कर दूंगा। इसे थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन और दिखे, या थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो एक बार और कलर मैट लेयर ले लेते हैं सॉलिड कलर और डिफॉल्ट ओके। इस बार मैं कलर लेने वाला हूँ ब्लू। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ ब्लू। अब हमारे पास मार्किंग तो है कि मुझे कितना लेना है, तो हम लोग फटाफट से क्रॉप टूल लेकर के इसे कट कर लेते हैं। और बची हुई लेयर को डिलीट कर देते हैं। हमारे सामने इफेक्ट में कुछ ऑलरेडी खुला हुआ है, हम वैसे ही इस पे भी ड्रॉप कर देंगे। फिर इसे इसको भी रिसाइज कर लेंगे और फिर से इसके एंड पे ड्रॉप कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे। थोड़ा सा और स्केल अप करते हैं जिसे मैं देख पाऊँ कि एक्चुअल में हमारा एनिमेशन सही हो रहा है या नहीं। मैंने अब ऑरेंज वाली सॉलिड लेयर पे पुश का जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है,
जिससे इन दोनों के स्टार्ट और एंड की स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन रहे और हमें इन दोनों कलर देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं ये इफेक्ट। अपने थर्ड इफेक्ट के लिए हमने यहाँ पे दो वीडियो क्लिप पहले से ले रखी हैं और अब हमको चाहिए होगी एक एडजस्टमेंट लेयर जिसे हम न्यू करके यहाँ से ले लेंगे और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इसे कर देंगे ओके। और इसे हम उठा करके क्लिप के मिड पे ड्रॉप कर लेंगे और इसे हम दोनों तरफ बराबर रखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेता हूँ। इधर अब हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को सर्च कर लेना है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे ट्रांसफॉर्म जो डिस्टॉर्ट में आता है और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। अब हम लोग सीधे चलेंगे इफेक्ट कंट्रोल में और नीचे यहाँ पे हमारे सामने स्केल दिखेगा, यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे हम ड्रैग कर देंगे लेफ्ट मीन्स स्टार्टिंग की तरफ। अगेन हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे हम ड्रैग कर देंगे एंड की तरफ और एक बार फिर हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको स्केल अप कर देंगे 300 पॉइंट्स तक। फिर हम पहले वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे ईज इन और अब हम लास्ट वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दे देंगे ईज आउट। तो जब हमारी क्लिप थोड़ा सा चेंज होती है तो एक हल्का सा जर्की इफेक्ट दिखने को मिलता है। इसे ख़त्म करने के लिए हम लोग को करना क्या है, हमें यहाँ पे ले लेना है क्रॉस डिसॉल्व, ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉप और अब हम इसे थोड़ा सा रिसाइज करेंगे 3 या 4 फ्रेम और अब हमारा इफेक्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए देखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज रोहित श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।